सो फ्रेंड्स आइए स्टार्ट करते अपना आज के वीडियो को। चैनल पर नया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन पर नोटिफिकेशन पर क्लिक कर लीजिए ताकि आपको आने वाले सभी नोटिफिकेशन रिगार्डिंग हमारे वीडियोस रेगुलरली मिलते रहे। अब आप पे TDS की लाइबिलिटी नहीं आएगी इन केस अगर आपको एनहांस कंपनसेशन मिलता है कोर्ट के थ्रू। एनहांस कंपनसेशन वो कंपनसेशन है आपकी अगर लैंड यहां पर कंपलसरी एक्विजिशन होती है तो गवर्नमेंट यहां पर आपको जो है कंपनसेशन देगी। उसके बाद अगर आप कोर्ट में जाते हैं उस कंपनसेशन के लिए कि आपको और हायर कंपनसेशन चाहिए तो यहां पर कोर्ट जो है आपको एनहांस करके कंपनसेशन देगी और अगर उसमें डीले होता है तो यहां पर आपको इंटरेस्ट भी मिलता है। तो ये केस उसी रिगार्डिंग है कि जो इंटरेस्ट मिलता है एनहांस कंपनसेशन पे उस पर TDS की लाइबिलिटी यहां पर आती है या नहीं आती है। एंड लैंड एक्विजिशन ओनर जो यहां पर जो लैंड एक्विजिशन ऑफिसर जो है उन्होंने यहां पर बिना TDS डिटेक्ट किए हुए कंपनसेशन जो फार्मर्स है या लैंड ओनर को दे दिया है तो यहां पर डिपार्टमेंट ने लैंड एक्विजिशन ऑफिसर्स पे यहां पर जो है डिमांड रेज कर दी है और यहां पर उन्हें पे करने के लिए बोल दिया है पेनल्टी के साथ। तो यहां पर जो ऑफिसर जो है वो यहां पर रिट एप्लीकेशन में गए दिल्ली आईटीए के अंदर एंड यहां पर उन्होंने ये बोला कि हम यहां पर जो है TDS की लाइबिलिटी हम पे नहीं आती है। पर डिपार्टमेंट ये नहीं मानता, डिपार्टमेंट कहता आप पे TDS की लाइबिलिटी आएगी बिकॉज आपने इंटरेस्ट दिया है यहां पर। आइए देखते क्या है पूरा केस और क्या दिल्ली आईटीए ने यहां पर पूरा डिसीजन दिया है। तो आपको केस बता देते, असिस्टेंट कमिश्नर ने यहां पर सर्वे कंडक्ट किया था TDS सर्वे इंस्पेक्शन और उन्हें यह पता चला लैंड एक्विजिशन ऑफिस के अंदर कि यहां पर उन्होंने TDS डिडक्ट नहीं किया है। अंडर सेक्शन 194A के अंदर जो यहां पर इंटरेस्ट पे किया गया फार्मर्स को लैंड ओनर को ऑन एनहांस कंपनसेशन जो यहां पर असेसमेंट ईयर जो कोर्ट ने दिया गया था कोर्ट की तरफ से। तो यहां पर असेसिंग ऑफिसर ने जो है रेज कर दी डिमांड अगेंस्ट जो यहां पर इनकम्प्लायंस किया गया TDS पे नहीं किया गया फॉर द रिलेवेंट असेसमेंट ईयर के लिए। अब एसएससी ने यहां पर जो अपील करी बिफोर द कमिश्नर ऑफ इनकम टैक्स यानी अपील CIT के अंदर अपील करी अगेंस्ट जो भी ऑर्डर पास किया गया AO की तरफ से। एसएससी ने यहां पर सबमिट किया कि CIT अपील के अंदर के यहां पर जो इंटरेस्ट पे किया गया है हमें एनहांस कंपनसेशन अंडर सेक्शन 28 है। तो एक सुप्रीम कोर्ट का एक डिसीजन है घनश्याम HUF का डिसीजन है जिसके अंदर इंटरेस्ट जो भी पे किया जाता है एसएससी को एज पार्ट ऑफ कंपनसेशन ही माना जाता है। इनकेस कंपनसेशन अगर मिलता है कंपलसरी लैंड एक्विजिशन होता है तो वो कंपनसेशन ही माना जाता है और उस पर TDS की लाइबिलिटी नहीं आती है अंडर सेक्शन 194A के अंदर। उसी के साथ यहां पर एसएससी ने यह भी बोला कि जो इंटरेस्ट मिला गया है एनहांस कंपनसेशन पे अंडर सेक्शन 28 जो यहां पर वैल्यू होती है कंपनसेशन का पार्ट ही माना जाता है। एसएससी का यह भी कंटेंशन था बिफोर द CIT के यहां पर 194LA यहां पर अप्लीकेबल होगा लैंड एक्विजिशन के केस के अंदर एसएससी के केस के अंदर लेकिन उसके अंदर यहां पर कंपनसेशन या एनहांस कंपनसेशन पे TDS की लाइबिलिटी नहीं आती है इन केस अगर कोई कंपलसरी एक्विजिशन करता है एग्रीकल्चर लैंड। तो इस केस के अंदर एग्रीकल्चर लैंड यहां पर फार्मर को दिया गया है यानी कंपलसरी एक्विजिशन किया गया उसके अगेंस्ट यहां पर कंपनसेशन दिया गया है और एनहांस कंपनसेशन यहां पर कोर्ट ने यहां पर दिया गया कोर्ट के थ्रू दिया गया और डिले हुआ उसके लिए इंटरेस्ट दिया गया तो यहां पर कोई भी TDS लाइबिलिटी नहीं आती जो इंटरेस्ट दिया गया ऑन डिले ऑफ एनहांस कंपनसेशन पे। बट CIT यानी कमिश्नर ऑफ इनकम टैक्स अपील के अंदर यहां पर इस कमिश्नर ने यहां पर जो अपील को डिसमिस कर दिया और यहां पर उन्हें भरने के लिए कह दिया जो भी ऑर्डर पास किया था AO ने वो यहां पर जो है कंफर्म कर दिया। अब यहां पर जो है लैंड एक्विजिशन ऑफिस जो अपील एसएससी है हमारे वो चले गए ITAT के अंदर और बिफोर द ITAT उन्होंने और एडिशनल कंडीशन क्या ग्राउंड्स रखे कि यहां पर जो इंटरेस्ट जो दिया गया एनहांस कंपनसेशन में वो एक कैपिटल एसेट माना जाता है बिकॉज कैपिटल एसेट के सामने दिया गया है एंड वो इंटीग्रल पार्ट किसका है कंसिडरेशन का है जो एग्जेम्प्ट है फ्रॉम कैपिटल गेन टैक्स। अगर कोई भी एग्रीकल्चर लैंड ट्रांसफर होती है तो उस केस में कैपिटल गेन नहीं लगेगा तो उस केस में जो कैपिटल गेन नहीं लगेगा कंपनसेशन यानी कंसिडरेशन का पार्ट माना जाता है उसको तो उस केस में यहां पर इंटरेस्ट की लाइबिलिटी TDS की लाइबिलिटी नहीं आती है क्योंकि वो एग्जेम्प्ट है सर 1037 के अंदर। एसएससी ने यह भी बोला जो इंटरेस्ट रिसीव किया गया है बाई लैंड ओनर ऑन कंपलसरी एक्विजिशन ऑफ इट्स लैंड अंडर सेक्शन 28 इज इन द नेचर ऑफ कंपनसेशन एंड नॉट इंटरेस्ट वो इंटरेस्ट नहीं है वो कंपनसेशन माना जाएगा एंड सो वो टैक्सेबल नहीं है इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज अंडर सेक्शन 56 एंड एसएससी हैज नो ऑब्लिगेशन टू डिडक्ट TDS ऑन एनहांस कंपनसेशन पे। तो यहां पर जो इंटरेस्ट दिया गया है वो इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज नहीं माना जाएगा कंपनसेशन का पार्ट माना जाएगा इंटरेस्ट नहीं माना जाएगा एंड उस पर TDS की लाइबिलिटी इस वजह से नहीं आती है।
फाइनली ITAT ने भी यह ऑब्जर्व किया कि यहां पर एग्रीकल्चर लैंड एज पर द डेफिनेशन सेक्शन 2 के हिसाब से जो भी एरिया कवर करती है वो एग्रीकल्चर लैंड मानी जाएगी, और उसके आउटसाइड होगी वो अन एग्रीकल्चर लैंड मानी जाएगी। तो यहां पर अगर एग्रीकल्चर लैंड है तो ये कैपिटल एसेट है। उसी के साथ ITAT ने यह भी देखा कि यहां पर कंपलसरी एक्विजिशन हुआ है कैपिटल एसेट का जो ट्रांसफर करी गई है, यहां पर प्रॉफिट एंड गेन जो भी होता है ट्रांसफर का वो यहां पर अट्रैक्ट अगर होती है, अगर एग्रीकल्चर लैंड नहीं है तो कैपिटल गेन टैक्स यहां पर लाइबिलिटी होगी। लेकिन इस केस के अंदर यहां पर कैपिटल गेन अराइज हो रही है इन केस ऑफ ट्रांसफर ऑफ एग्रीकल्चर लैंड, जो एग्रीकल्चर लैंड यहां पर डेफिनेशन के हिसाब से मानी जाती है, तो ये कंपलसरी एक्विजिशन है और ये एग्जेम्प्ट है फ्रॉम टैक्स अंडर सेक्शन 1037। अगर कोई भी एग्रीकल्चर लैंड अगर आप ट्रांसफर करते हैं तो उस पर कैपिटल गेन नहीं लगेगा सर, सेक्शन 1037 के हिसाब से। उसी के साथ फाइनली ITAT ने यहां पर रूल आउट दिया कि अगर कोई भी इनकम यहां पर हो रही है फ्रॉम ट्रांसफर ऑफ कैपिटल गेन, इन रिसिप्ट ऑफ कंपनसेशन मिले या फिर एनहांस कंपनसेशन मिले, एग्जेम्प्ट है वो फ्रॉम टैक्स इन द हैंड्स ऑफ रिसिपिएंट, यानी लैंड ओनर और फार्मर्स के अंदर। फाइनली यहां पर ITAT ने डिसीजन दिया, जो भी इंटरेस्ट रिसीव किया गया लैंड ओनर को ऑन एनहांस कंपनसेशन, जो भी कोर्ट ने अवॉर्डेड किया अंडर सेक्शन 28 ऑफ द लैंड एक्विजिशन एक्ट, वो ना ही आपकी इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेस मानी जाएगी अंडर सेक्शन 56। उसी के साथ लैंड एक्विजिशन ऑफिस को यहां पर कोई ऑब्लिगेशन नहीं है कि वो TDS डिडक्ट करे ऑन एनहांस कंपनसेशन पे, जो अंडर सेक्शन 194 है। तो यहां पर अपील जो है वो यहां पर अलाउड की जाती है, केस है लैंड एक्विजिशन ऑफिस वर्सेस DCIT का गुड़गांव। तो यहां पर इस केस के अंदर इंपॉर्टेंट डिसीजन दिया गया है दिल्ली ITAT ने, यहां पर डिसीजन दिया है कि कोई इंटरेस्ट अगर रिसीव हुआ है लैंड ओनर को या फार्मर्स को एनहांस कंपनसेशन पे, जो कोर्ट ने यहां पर अवॉर्डेड किया अंडर सेक्शन 28 ऑफ लैंड एक्विजिशन एक्ट 1894 के अंदर, इज नॉट द नेचर ऑफ इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेस, ना ही इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेस मानी जाएगी इंटरेस्ट, ना ही इस पर कोई TDS की लाइबिलिटी आती है। तो यहां पर इंपॉर्टेंट डिसीजन देते हुए ITAT ने दिल्ली ने यहां पर लैंड एक्विजिशन ऑफिस को यहां पर रिलीफ दी है, TDS यहां पर नहीं डिटेक्ट किया है, तो यहां पर जो डिमांड की पेनल्टी दी गई थी, डिमांड यहां पर रेस करी गई थी, उसको खारिज कर दी गई है नोटिस को। उसी के साथ यहां पर एनहांस कंपनसेशन में जो इंटरेस्ट मिला है उसको इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज का पार्ट नहीं माना, उसी के साथ कोई TDS की लाइबिलिटी यहां पर नहीं आती है। तो फाइनल यहां पर ITAT ने SEC को एक बहुत बड़ी रिलीफ यहां पर TDS से दे दी है। सो आज का वीडियो यही खत्म करते हैं, वीडियो पसंद आए चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करेगा, ज्यादा ज्यादा शेयर जरूर करेगा। धन्यवाद।